अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सलमान दीप। आप देख रहे हैं दीप टेक्नोलॉजी लैब यूट्यूब चैनल। तो आज फिर मैं आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं बोया M1 माइक की अनबॉक्सिंग। तो यहाँ पे मेरे पास बोया M1 का माइक है, मैंने भी खरीद लिया है। बहुत सारे यूट्यूबर ने इसकी वीडियो लादा से बनाई है, लेकिन फिर भी किसी के पास किसी को सही तरह समझ नहीं आ रही होगी। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको इस माइक की अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा, रिव्यू करूंगा और इसको चेक कैसे करना है वो बताऊंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और अगर और कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। यहाँ पर मेरे पास एक माइक है बोया M1 और मैंने ये ख़रीदा है। तो ये मैंने ख़रीदा है 1750 का। तो बहुत सारे इस तरह के और भी माइक हैं जो आपको फेक भी मिलेंगे। फेक माइक जो है इसका बोया M1 का वो मिल रहा है 1500 का। तो ये ओरिजिनल है, ये मैंने खुद चेक किया। यहाँ पे इसका बार कोड यहाँ पे लगा हुआ है और इसके ऊपर एक लेयर सी थी जिसको हमने ख़त्म करके नीचे से इसका ये कोड जो है दिखा कोड जो है नीचे से हमें नज़र आता है। फिर तो इसको चेक कैसे करना है उससे पहले इसको खोल के दिखा देता हूँ इसमें मिलता क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूँगा मैं पाकिस्तान से हूँ और ये पाकिस्तान से आपको मिल जाएगा 1750 का। तो अगर आप किसी और सिटी से हैं तो उसकी कीमत का मुझे अंदाज़ा नहीं है। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी इसके बारे में बताया, लेकिन मैंने कहा क्यों ना मैं भी बता दूँ, क्योंकि मैंने भी शुरू से, मेरे पास ये माइक नहीं था, मैंने भी अभी अभी ख़रीदा है। तो यहाँ पे इसके साथ आ जाता है इसका वारंटी कार्ड और जो खाली है उसके साथ हमारे इस बॉक्स में है एक मैनुअल। और उसके साथ इसको मैं पहले से खोल के यहाँ पे ये रहा इसका जो है बिल। तो ये मैंने एक दो बार यूज़ किया है, इसकी अच्छी वॉइस है। मेरे जो पहली दो वीडियो यहाँ पे वेबसाइट के बारे में, मैंने वेबसाइट के दो के रिव्यू दिए थे, एक सॉफ्टवेयर कहाँ से डाउनलोड करने और एक ऑटोकैड की। तो वो माइक जो उसकी जो वॉइस थी वो इसी माइक से मैंने रिकॉर्ड की थी। तो यहाँ पे हमें इसके साथ एक पाउच मिलता है, पाउच के साथ यहाँ पे जो बड़ी डिवाइसों के साथ लगता है लेकिन यहाँ पे हमने यूज़ करना है मोबाइल और कैमरे के लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मोबाइल और DSLR के लिए। तो ये मैंने मोबाइल पे तो यूज़ नहीं किया लेकिन मैंने फ़ोन के साथ यूज़ किया है, इस कंप्यूटर के साथ, लैपटॉप के साथ यूज़ किया है। इसकी बहुत अच्छी वॉइस है और इसकी वायर भी बहुत अच्छी है, यहाँ इसकी वायर भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, आप देख सकते हैं। तो यही था आज का हमारा जो इसमें से हमें बॉक्स में से मिला है हमारा माइक। और इसको अब चेक कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इसके यहाँ पे बैक साइड पे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ये देखें बोया mic.com। तो ये वेबसाइट आपने लिखनी है, लिखने के बाद आपने ये जो कोड है ये टाइप करना है। तो कैसे करना है चलें मैं आपको दिखा देता हूँ। पे मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करना है, ब्राउज़र के अंदर हमने यही वाली जो इसकी वेबसाइट जो थी यही लिखनी है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैंने पहले सर्च की हुई थी। तो यहाँ पे मैंने लिखा है boya-mic.com। तो यहाँ पे मैं सर्च कर देता हूँ। सर्च करने के बाद यहाँ पे हमने सिक्योरिटी में आ जाना है, सॉरी सपोर्ट लिखा हुआ है। सपोर्ट में आने के बाद यहाँ पे एंड में यहाँ पे लिखा है सिक्योरिटी कोड, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक सर्च बार आ चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है कि अपना कोड जो है आपका ये वाला जो कोड है इसको हमने इंटर करना है। तो यहाँ पे मैं इंटर कर लेता हूँ। तो इंटर करने के बाद आपने इंक्वायरी पे क्लिक कर देना है। मैं इंक्वायरी पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे उसने बता दिया है कि यहाँ पे आपको पता कैसे चलेगा कि ये रियल है या फेक है। तो आपने जब भी माइक नया लेना है तो आपने चेक करना है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है 3 टाइम, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि तीसरी बार ये आपका माइक जो है चेक हो चुका है। तो आपने जब भी माइक लेना है उसको इस पे पहले कंफर्म करना है डाल के यहाँ पे अपना नंबर, तो वो बता देंगे कि आपका माइक जो है पहले कहीं पे ओपन किया था, यहाँ पे किसी ने इसको यूज़ किया था या नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ जब आप चेक करेंगे, अगर तो ये इंक्वायरी आ गया लिखा हुआ
तो इसका मतलब है कि आपका जो माइक है वो रियल है। अगर यहाँ पे कोई एरर आ जाता है या उसके अलावा आप अपने मोबाइल में बार कोड स्कैनर जो होता है, QR कोड स्कैनर, उसकी मदद से आप इसको जो है स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपने नेक्स्ट करते जाना है। अगर तो कोई एरर ना आए, अगर टिक लग जाए ब्लू कलर का, तो समझ लो आपका जो माइक रियल है। तो यही थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें मैंने आपको बता दिया इस माइक को चेक कैसे करना है, इसकी क्वालिटी कैसी है और मैंने कितने का खरीदा है। तो यही थी आज की हमारी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।